स्वामी नरसिंह अनंत को बड़ा झटका। अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी के बाद किया गया इवेंट कैंसिल। दरअसल नवरात्रि पर अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद काउंसिल ने एक ऑनलाइन इवेंट रखा था, जिसमें स्वामी नरसिंह अनंत को स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया गया था। लेकिन जब कई अधिकारियों और एक्टिविस्ट ने स्वामी नरसिंह अनंत का विरोध किया तो इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी, कहा कि इवेंट फ्लायर जो वायरल हुआ एसोसिएशन के एक सपोर्टर द्वारा प्रसारित किया गया था, जिन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया चैनल पर स्ट्रीम करने की मांग की थी। विश्व हिंदू परिषद को उनके कॉन्ट्रोवर्शियल बयानों की जानकारी होने के बाद इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। स्वामी नरसिंह अनंत सरस्वती हाल ही में अपने मंदिर में पानी पीने के लिए एक मुस्लिम लड़के की गई पिटाई पर मारने वाले व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए सुर्खियों में आए थे। फिर दिल्ली में प्रेस क्लब में ऑर्गेनाइज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अपमानजनक कमेंट्स करने और उनको बुरा भला कहने पर भी खबरों में छाए थे, जिसके बाद देश भर में स्वामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और आक्रोश फैला। उनके इस बयानों के बाद मुसलमानों में भी नाराजगी और गुस्सा देखा गया था और उन्होंने स्वामी नरसिंह अनंत के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की भी मांग की थी। फिर शिरडी साई बाबा के खिलाफ अपमानजनक कमेंट्स के बाद दिल्ली के एक मंदिर पर साई बाबा की मूर्ति को हटाए जाने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद कई राज्यों में नरसिंह अनंत के खिलाफ ईश निंदा के गंभीर मामलों के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बजाय नरसिंह अनंत प्राइम टाइम पर टीवी स्टेशन पर अपने विर्चुअल फाइंडिंग प्लेटफॉर्म पर इवेंट्स में बोलने के लिए इन्वाइट किए गए। एक कार्यकर्ता और पत्रकार विजयलक्ष्मी नादर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करना उनके नवरात्रि समारोह के लिए एक आभासी बैठक में केवल धर्म, उसके उत्सवों और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है। उनके श्रीडी साई बाबा के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक बयान, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, जिसके बाद दिल्ली में साई बाबा मंदिर पर हमला किया गया, ये केवल हिंसा को ट्रिगर करने के लिए था। तो सुनीता विश्वनाथ, जो कि यूएस बेस्ड एनजीओ ह्यूमन राइट्स ऑफ हिंदूज की को फाउंडर हैं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को यति नरसिंह अनंत सरस्वती को अपने नवरात्रि स्पीकर के तौर पर इनवाइट करने के जवाब में #rejecthatepetition शुरू की है। ऐसे कितने ही अधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा नरसिंह अनंत सरस्वती का नवरात्रि स्पीकर के तौर पर कड़ा विरोध किया गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद काउंसिल ने इस इवेंट को रद्द करने की अनाउंसमेंट की कि नरसिंह अनंत सरस्वती के साथ इस कार्यक्रम में फॉर्मली तौर पर शामिल नहीं है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।